हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज 100 वॉट बल्ब B1 एंड 260 वॉट बल्ब B2 एंड B3 आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सोर्स एज शोन इन द फिगर। नाउ W1, W2 एंड W3 आर द आउटपुट पावर्स ऑफ द बल्ब B1, B2 एंड B3 रिस्पेक्टिवली। देन ए ऑप्शन W1 ग्रेटर देन W2 इक्वल्स टू W3, बी ऑप्शन W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3, सी ऑप्शन W1 लेस देन W2 इक्वल्स टू W3 एंड डी ऑप्शन W1 लेस देन W2 लेस देन W3। सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास बल्ब है, 3 बल्ब हैं B1, B2 और B3। B1 जो है उसकी रेटेड पावर 100 वॉट है, B2 जो है उसकी रेटेड पावर, तो हमने मान लिया P1 जो है वो 100 वॉट गिवन है, P2 विच इज रेटेड पावर ऑफ B2 बल्ब वो हमको 60 वॉट गिवन है, ऐसे ही P3 भी हमको 60 वॉट गिवन है। ये हमने एक 250 वोल्ट सोर्स से लगाया हुआ है। सो W1, W2 और W3 जो है वो आउटपुट पावर आई है इन तीनों बल्ब्स की रिस्पेक्टिवली, तो हमको रिलेशन बताना है। अब हमको पता है कि अगर हम पावर की बात करते हैं, रेटेड पावर, तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है V² / R के इक्वल होता है। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, R = V² / P। सो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी V² / P, मतलब 100 P1। ऐसे ही R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा V² / 60। R3 भी क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा V² / 60। सो R2 और R3 तो हमारे पास सेम है, R1 की वैल्यू V² / 100 है। सो अब हमारे पास W1 की वैल्यू क्या होगी, W1 जो होगा वो है पावर डिसिपेशन इन बल्ब 1, वो होगा हमारे पास I² × R1। सो I² है, I क्या है हमारे पास, करंट, I है हमारे पास करंट, कौन सी वाली ब्रांच में, बल्ब 1 वाली ब्रांच में। सो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास रेटेड वोल्टेज मतलब 250 / नेट रेजिस्टेंस इन दैट ब्रांच, वो है R1 + R2 इसका स्क्वायर × R1। सो ये हो जाएगा हमारे पास 250 का स्क्वायर / R1 + R2, R1 + R2 whole square × R1। ऐसे ही W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा हमारे पास 250 square by R1 plus R2 whole square into R2। ऐसे ही W3 क्या हो जाएगा, 250 square by, सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास R3 square into R3। सो R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 250 square / R3। सो 250 square तो कॉमन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है R1 की वैल्यू अगर हम देखते हैं, तो R1 की वैल्यू में V² को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, R2 और R3 में V² को हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, R2 जो है R3 के इक्वल है और ये R2 R3 जो है वो R1 से बड़ा है। सो R1 की वैल्यू छोटी है, ये तो दोनों में सेम है हमारे पास, R1 + R2 का होल स्क्वायर। सो अगर R1 की वैल्यू छोटी है मतलब W1 हमारे पास छोटा होगा, देन W2 होगा, और W3 में तो हमारे पास केवल R3 बचा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। सो हियर डी ऑप्शन इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।